साल के 12 महीने 2400 घंटे दर्शन के लिए खुला रहता है। कटरा से 14 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद आपको माता के दर्शन प्राप्त होंगे। यहाँ पर मई जून और फेस्टिवल के टाइम पे अच्छी खासी मात्रा में लोग रहते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कटरा जहाँ माता का भवन है वहां तक कैसे पहुंचा जाए। हमने जर्नी प्लान करने का सेंटर पॉइंट दिल्ली मानकर जर्नी की डिटेल दी है। कटरा पहुंचने के लिए आप ट्रेन, बस और फ्लाइट तीनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं। दिल्ली टू कटरा ओवरनाइट जर्नी है जो लगभग 650 किलोमीटर है। पहला सबसे अच्छा और सबसे सस्ता ऑप्शन रहेगा ट्रेन की जर्नी का, जिसमें आप 12 से 14 घंटे की जर्नी करके आराम से कटरा पहुंच सकते हैं। लेकिन आप ट्रेन टिकट पहले से ही बुक कर लें, वरना लास्ट में ट्रेन टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों कई बार होता है कि कटरा की ट्रेन टिकट नहीं मिलती, उस केस में अगर जम्मू तक की ट्रेन टिकट अवेलेबल है तो आप जम्मू तक की बुकिंग कर लें, फिर जम्मू से कटरा जाने वाली कोई भी ट्रेन या बस लेकर आप कटरा पहुंच सकते हैं। ये यात्रा सिर्फ 1 से 2 घंटे की होती है। दोस्तों कटरा पहुंचने के लिए दूसरा ऑप्शन है बस का। दिल्ली टू कटरा बहुत सारी बसें चलती हैं, बस का किराया लगभग 1200 से 1500 होता है। इसकी डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बस से कटरा पहुंचने में 12 से 15 घंटे लगते हैं। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है फ्लाइट का। अगर आप फ्लाइट के थ्रू अपनी जर्नी प्लान कर रहे हैं तो कटरा का नियरेस्ट एयरपोर्ट जम्मू है, जो कि कटरा से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। फ्लाइट का फेयर दिल्ली टू जम्मू लगभग 3 से 4 हज़ार है, डिपेंड करता है आप कितने दिन पहले बुकिंग करवाते हैं। जम्मू एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप यहां से टैक्सी बुक करके या फिर बस या ट्रेन से कटरा पहुंच सकते हैं। आप अपनी कंफर्ट और बजट के हिसाब से इनमें कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दोस्तों कटरा पहुंचने के बाद सबसे पहला सवाल बनना आता है कि कहां रुकूं। 50 रुपया रूम टैरिफ। उसके बाद मैं यहां पर आया निहारिका कॉम्प्लेक्स पता लगाने के लिए यहां रहने की सुविधा कैसी है। तो मैंने यहां कर देखा, इनके पास बहुत सारे रूम है अलग अलग बजट में। फॉर एग्जाम्पल आपको डॉर्मेट के लिए यहां पर बहुत भी सुविधा है। आपको रूम चाहिए डबल ऑक्यूपेंसी में तो 1450 रुपए में आपको एक दिन के लिए रूम भी मिलता है। लेकिन उसके लिए बेहतर रहेगा कि आप ऑनलाइन बुक करवाइए, क्योंकि ये जनरली फुल रहता है। ऑनलाइन जो बुकिंग है वो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आप 2 महीने पहले करवा सकते हैं, लेकिन वो लास्ट 4 दिन तक होता है, यानी 2 महीने से लेके अंटिल 4th डे ऑफ योर ट्रैवल। हमारा ओरिजिनल प्लान ये था कि आज हम नाइट स्टे भवन के पास करें और कल हम वापस कटरा लौट कर आए। हमने भवन के पास रहने के लिए ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई। आज मॉर्निंग में यहाँ पर हम 8 बजे आए तो हमें मालूम चला कि आज के दिन की भवन के पास की बुकिंग ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, वहां रहने की अकोमोडेशन फुल है। हमने क्या किया, आज नाइट स्टे करने के लिए अपनी अस्क्वारी में डबल ऑफिस 210 रुपया, यहाँ से 1.5 किलोमीटर का यह सफर है। बाढ़ गुमरा पहुंच कर हम श्री माता वैष्णो देवी के लिए पद यात्रा आरम्भ करेंगे। श्राइन बोर्ड का भोजनालय है,
अपने लिए मैंने यहाँ पर लिया ब्रेड पकौड़ा और एक कप चाय। बैटरी कार के टिकट काउंटर देखने आए, समय शाम के 4:45 बजे, लेकिन काउंटर बंद है। हमें किसी ने बताया काउंटर 6 बजे खुलेगा, तो इसका मतलब 1 से 1.5 घंटे की बैटरी कार के लिए वेटिंग है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं शाम के समय पता लगाऊंगा और आपको। वो नीचे जाके पता लगाते हैं कौन सा बैच चल रहा है और पर्ची कौन से बैच की मिल रही है। वैसे समय शाम के 6 बज चुके हैं, थोड़ी देर में आरती का टाइम है। अपने लिए हमने यहाँ पर राजमा चावल की पर्ची निकाल ली है। अब जय माता दी, इस समय सुबह के 6:30 बजे हैं। हम नहा भी चुके हैं और तैयार भी हो चुके हैं। अपनी आगे की यात्रा शुरू करने से पहले नाश्ता करते हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ अर्धकुआरी साथ उतरेंगे, रांची साथ उतरने के बाद 2.5 किलोमीटर आप पैदल यात्रा करेंगे भवन तक। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो आपको घोड़ा भी मिलेगा और पालकी भी मिलेगी। बस हम भवन के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये सामने श्राइन बोर्ड की शॉप है, यहाँ से हम पेंट प्रसाद ले लेते हैं। हमें अभी अपना सामान लॉकर रूम में रखना होगा। सामने आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है लॉकर रूम। यहाँ से नीचे सीढ़ियों से जाएंगे, सारा सामान जमा करवाएंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। जय माता। कैरव जी का धड़ है, माता जी ने त्रिशूल से जब कैरव जी का वध किया तो धड़ गुफा में गिरा और कैरव जी का सिर आगे पर्वत के ऊपर गिरा, जहां पर अभी हम जाएंगे। ऐसा माना जाता है जब आप श्री वैष्णो देवी की यात्रा करने आते हैं तो आपकी यात्रा तब कंप्लीट होती है जब आप कैरव जी के दर्शन भी करते हैं। आज से कुछ साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो हम पैदल गए थे, लेकिन अभी आते समय मैंने देखा यहाँ पर रोपवे भी स्टार्ट हो गया, तो हम यहाँ से रोपवे लेंगे और ऊपर जाके कैरव जी के भी दर्शन करेंगे। भवन के बाद श्राइन बोर्ड के गेस्ट हाउस है, अगर आप यहाँ पर आके नाइट स्टे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। बेहतर रहेगा आप कुछ हफ्ते पहले या 2 महीने पहले ही बुकिंग करवा लें अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर बुकिंग मिलना मुश्किल है। ये भेंट प्रसाद लिया था, नारियल प्रसाद, जो हम अपने घर ले जाएंगे। चलिए अब हम कैरव जी की यात्रा करने के लिए रोपवे के पास चलते हैं, जो कि यहाँ से लगभग 300 मीटर दूर है। अभी हम मंदिर के दर्शन होते हैं आज, जैसे हमें दर्शन करने में केवल 5 मिनट का समय लगा, घंटे में कभी भी आ सकते हैं, दिन हो चाहे रात हो, सिर्फ सुबह 7 से 8 और शाम को 7 से 8 आरती होती है, उस समय यात्री दर्शन नहीं कर सकते। मंदिर की सीढ़ियां जैसे उतर के हम बाहर आके देख रहे हैं, सीनिक व्यूज यहाँ पर बहुत औसम है। आप देखिए बाहर के ऊपर आपको हर तरफ बर्फ देखने को मिलेगी, 7-8 दिन पहले यहाँ पे बर्फ गिरी थी। काफी लोग दर्शन करने के बाद सीनिक व्यू एंजॉय कर रहे हैं। इस समय शाम के 4:45 बज चुके हैं, 15-20 मिनट हम यहाँ पे रुकेंगे, फिर ट्रॉली में हम पवन को जाएंगे। अभी हम 8 बजे से शाम को 5 बजे तक टिकट ले लेने के बाद उसकी वैलिडिटी 2 घंटे के लिए होती है। इस समय शाम के 4:30 बज चुके हैं। अब हम यहाँ से नॉन स्टॉप अर्धकुआरी तक जाएंगे 5.5 किलोमीटर, तो मुझे लगता है हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। चलिए अर्धकुआरी की ओर चलते हैं। ये जो रूट देख रहे हैं ना, हम सुबह इसी रास्ते से भवन गए थे, अभी लौट कर हम इसी रास्ते से अर्धकुआरी तक पहुंच गए। अर्धकुआरी मंदिर यहाँ से लगभग 300 मीटर दूर है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये रूट ले रहे हैं जो न्यू रूट है बाण गंगा जाने के लिए, वहां से कटरा 2 किलोमीटर। ये पूरा कटरा शहर यहाँ से दिखाई दे रहा है।
काफी अच्छा लग रहा है, हालांकि विजिबिलिटी कम है लेकिन फिर भी बिल्डिंग्स तो क्लियरली विजिबल है। इस रूट पर मैं देख रहा हूँ यात्री कम है। आज क्वारी से 4.2 किलोमीटर की यात्रा करके हम लंगर हॉल तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से लंगर चल रहा है, साथ ही आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत फाउंटेन्स। पहले चल के लंगर करते हैं। शिफ्ट होती है तो हर शिफ्ट चेंज के बाद आधे घंटे की ब्रेक रहती है। चावल दाल और हलवा सर्विस देखकर इंप्रेस हो गया। जहां हमने लगी और एक चीज कॉमन निकल कर आई कि अगर आप सच्चे मन से माता जी के दरबार जाके कुछ मांगते हो तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसी भावना से काम करते हैं।